आज बनाने वाले हैं पानी में पूड़ी। पानी में पूड़ी का जो है डो तैयार कर, तो यहाँ पे देखिए हमने एक कप आटा लिया हुआ है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और एक टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है। अब इसको मैंने सख्त डो बनाना है, सिर्फ पूड़ी का डो बनता है। इसको अच्छे से डो बना लेंगे इसका। हमारा ये पूड़ी का डो जो है बन के रेडी हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं इस पूड़ी को तलने के लिए। गैस पूड़ियाँ जो हैं उसको रोल कर लेते हैं पूड़ी को। ये बहुत ही हेल्दी पूड़ी बन रही है। जब पानी में पूड़ी तली जाएगी तो हेल्दी तो होगी ही। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं। मैंने कढ़ाई में पानी जो है रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि अब इस पूड़ी को पानी में ही हमने तलना है यानी पकाना है। तो चलिए अब ये पानी जो है अच्छे से गर्म हो गया है। पूड़ियों को देखिए डालते हैं पानी के अंदर पकने के लिए। अभी हम एक एक पूड़ी ही इसको पकाएंगे। अब इसको पलट देते हैं दोनों साइड से, ये अच्छे से पकना चाहिए। ये लीजिए इसको मैंने पलट दिया। ये देखिए बाकी की पूड़ियाँ भी हमारी पानी में जो है पक रही हैं। ये देखिए पानी में अच्छे से इसको पहले कच्चापन हटा लेना है, इसको पका लेना है। पाँच मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। देखिए ये पानी से हमने पूड़ियों को निकाल लिया है, लेकिन अब ये पूरे तरह से पूड़ी तैयार नहीं लग रही है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं इस पूड़ी को तैयार करने के लिए। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एयर फ्रायर, जिसमें कि ये हेल्दी पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इस एयर फ्रायर में हमने इसको पूड़ियों को रख देना है। अभी मैंने यहाँ पे नीचे हल्का सा ऑयल से ब्रश कर दिया है, जिससे पूड़ी जो है चिपकेगी नहीं इसमें। और अब इसको रख देते हैं इसमें। सब एक साथ भी रख सकते हैं, बट हम एक ही रख रहे हैं अभी। और इसको रख देते हैं, सेट करते हैं इसको टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे सेट करना है। एंड 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है एयर फ्रायर में, जिससे कि ये हेल्दी पूड़ी बन के रेडी हो जाएगी। गाइस ये देखिए बढ़िया सी पूड़ी तो बन के रेडी हो गई है। जो ऑयल मैंने इसमें डाला था डो बनाने के लिए, बस वही है। तो इस तरह से पूड़ियाँ जो है बनाई जा सकती हैं। तो ये एक पूड़ी बन गई है, तो अभी हम दूसरी भी रख देते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कोई हेल्दी पूड़ी खाना चाहता है 2 से 3 पूड़ी खाएगा तो उसके लिए बनाई जा सकती है इस तरह से। एयर फ्रायर में तो हेल्दी खाना बनता ही है। देखिए इस तरह से पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं। अभी सारी पूड़ी बन जाए तो प्लेटिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली ये देखिए हेल्दी पूड़ी बन के रेडी हो गई और इसे मैंने कद्दू की सब्ज़ी के साथ सर्व कर दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं, मतलब फ्राई किया ही नहीं है, पानी में ही इसको पकाया है और बाद में एयर फ्रायर में इसको अच्छे सा कलर आ गया। बहुत ही हेल्दी पूड़ी है ये। आई होप की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।